नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीवित रहने के लिए हवा के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पानी। खाने के बिना हमारा कुछ दिन काम चल सकता है, लेकिन हवा और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके शरीर में हर समय हजारों रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं और इन सब में जरूरत है पानी की। चाहे शरीर में डाइजेशन हो, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना हो, फैट बर्न करना हो, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना हो, आपको एनर्जी देना हो, हर काम के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। कितना पानी पीना है इसके लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी उम्र क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितना एक्टिव है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप दुनिया के किस भाग में रहते हैं, गर्म जगह में रहते हैं या ठंडी जगह पर रहते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि आपको कितना पानी पीना है। लेकिन पानी पीने का सही तरीका क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं 10 ऐसे नियम जिन्हें आपको पानी पीते वक्त ध्यान रखना है। अगर आप इन 10 नियमों का पालन करते हैं तो ये पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। पहला नियम, आयुर्वेद के अनुसार सुबह सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत आवश्यक है। ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा नियम, अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो खूब पानी पिए। वेट लॉस जर्नी में पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये आपके शरीर में फैट जमा ही नहीं होने देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा और ये सब आपको मदद करेगा वजन कम करने में। तीसरा नियम बहुत खास है, आयुर्वेद के अनुसार हमें भूख लगने का कारण है पेट में क्षुधा अग्नि। अगर आप खाने खाने से ठीक पहले पानी पी लेते हैं तो ये क्षुधा अग्नि शांत हो जाती है। तो वैसे तो हमें खाना खाने से ठीक पहले पानी नहीं पीना है, लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग की समस्या से परेशान हैं, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, आपको खाने पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, तो आप खाना खाने से पहले एक गिलास पानी जरूर पिए। यह आपको मदद करेगा ओवर ईटिंग से निपटने में। चौथा नियम, खाने के बीच में और तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं आपके शरीर में एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो आपके खाने को पचाते हैं। पानी इन एंजाइम्स को डाइल्यूट कर देता है, पतला कर देता है और फिर ये एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर पाते, आपको इनडाइजेशन होता है, आपको गैस की समस्या हो सकती है। पांचवा नियम, आप सभी जानते हैं कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में किडनीज का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपके शरीर में से सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है और इस काम में आपकी किडनी की मदद करता है पानी। लेकिन याद रखें, बहुत ज्यादा पानी अगर पिएंगे तो यह आपकी किडनी पर अननेसेसरी भार डालेगा, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। छठा नियम, नहाने से पहले पानी जरूर पिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। पानी आपकी ब्लड वेसल्स को, खून की नलियों को चौड़ा करता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सातवां नियम, रात को सोने से पहले जरूर पानी पिए। आपने सुना होगा कई लोगों को सुबह नींद में ही हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि रात के समय शरीर में पानी की कमी हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए रात को सोने से पहले एक गिलास पानी जरूर पिए। आठवां नियम, अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट एनर्जी ड्रिंक है पानी। एक गिलास पानी आपको तुरंत एनर्जी देगा। दुनिया में कोई ऐसा एनर्जी ड्रिंक नहीं जो पानी का मुकाबला कर सके। ना सिर्फ शरीर बल्कि मन की थकान को मिटाने के लिए भी पानी बहुत महत्वपूर्ण है। नवा नियम, जब आप बहुत परेशान हैं, चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, एक गिलास पानी पिए और इस पानी को अगर चार्ज करके पिए तो कमाल। पानी चार्ज कैसे करना है?
पॉजिटिव बातें सोचते हुए पानी पिए, जो अपने जीवन में चाहते हैं वो सोचते हुए पानी पिए, आप इमीडिएट रिजल्ट देखेंगे, आपको तुरंत उन परेशानियों का हल नजर आने लगेगा। चार्ज्ड वाटर एक कमाल की टेक्निक है। आप तब तक इसे नहीं जान पाएंगे जब तक आप खुद इसे प्रयोग नहीं करेंगे। आज ही करके देखें, आपके लिए ये पानी अमृत बन जाएगा। दसवां और सबसे इम्पोर्टेंट नियम, कभी भी जल्दबाजी में खड़े खड़े गटागट पानी नहीं पीना है। जब आप जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, तो इसका आपके जॉइंट्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पानी हमेशा आराम से बैठकर घूंट घूंट करके पिए। जब आप धीरे धीरे पानी पीते हैं तो इस पानी के साथ आपके मुंह में जो लार है, जो सलाइवा है, वो इसके साथ घुलकर आपके पेट तक जाती है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। तो ये 10 नियम अगर आपने अपना लिए तो आप हमेशा निरोगी रहेंगी। इनमें से बहुत से नियम आपको पता भी होंगे लेकिन आप उन्हें अपनाते नहीं है, तो आज से प्रयोग शुरू करना है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप ये प्रयोग करें और अपने एक्सपीरियंस हम सभी के साथ जरूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।